नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल घनश्याम बाबा संपर मित्र बस्ती में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें सूचना मिली है दोस्तों कि चक्कर चौराहे से उसके बगल में एक गांव है, उसी गांव में सांप निकला हुआ है दोस्तों, और वहां के लिए हम लोग निकल चुके हैं। दोस्तों आप सब देख सकते हैं और देखने जा रहे हैं सांप कहाँ पर है। और दोस्तों आप सब नज़रें बनाए रखना, और ऐसे में क्या दोस्तों खतरा हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक बेजुबान जानवर की बात है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ लोगों की भीड़ है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं दोस्तों, इसके पीछे सब खेती खेती है, हरियाली हरियाली पूरा है दोस्तों, और वहाँ जनता दोस्तों जुटी हुई है, लोगों की वहाँ भीड़ है दोस्तों। और ऐसे में चलकर देखते हैं सांप कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पे लोगों को भीड़ लगी हुई है, और शायद सांप दोस्तों यहीं कहीं पे है, तो सीढ़ी दिख रहा है दोस्तों, शायद सांप वहीं पर है। और चलकर देखते हैं सांप कहाँ पर है, आप सब देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कन्हैया भैया का घर है, उनके पीछे वाले भाग में ये सांप दिख रहा है दोस्तों, उनके घर के पीछे वाले भाग में। और दोस्तों आप सब देख सकते हो जो बिल दिख रहा है उसी के अंदर सांप है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं उसमें किस प्रकार से बैठा हुआ है, एकदम शांति रूप बैठा हुआ है। दोस्तों रेस्क्यू टीम चालू है, नहीं देखा तो बका कहाँ चला गया, वहीं तो रहा यार भाई। सीढ़ी ना छतक ऊपरा चढ़ो, छतक ऊपरा चढ़े लायक नहीं बा भैया। हाँ दोस्तों आप सब देख सकते हैं यहाँ के लोगों की भीड़ लगी है दोस्तों, यहाँ की जनता रही दोस्तों। दादा बैटरी अठू बैटरी मंगाए थे भैया, हाँ दरखना लागी दरखना लेते हैं अठू बैटरी। ए बच्ची अठू दरखना लिया है और बैटरी लिया है, घनश्याम बाबा संपर मित्र बस्ती तुरंत आई, सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। हाँ भैया बस वो है नहीं देखा तो बहु दोस्तों, सांप को ऊपर से निकाला जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर जा चुका है सांप, आप सब देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। और इसी के अंदर दोस्तों अंदर यहाँ तक गया है सांप, खोदो भैया खोदो। हाँ
तो बोले ना कुछ तब हरियन जाई तो सीढ़ी लगाकर काम चलाया जा रहा है। आप सब देख सकते हैं इस प्रकार से खोदा जा रहा है। और दोस्तों सांप बहुत ही खतरनाक सांप है दोस्तों। है भैया ऊपर वाला निकलो ऊपर वाला फैलाओ मतलब ये न दियो न दियो न दियो कौनो दम बनाई बैठे हम दोस्तों। आप सब देख सकते हैं किस प्रकार से सांप निकाला जा रहा है। और दोस्तों सांप इसी के अंदर घुसा हुआ है दोस्तों। अब इसको पकड़ने के लिए दोस्तों बहुत सारा जुगाड़ लगाया जा रहा है दोस्तों। अभी आप सबके नज़रों के सामने आएगा दोस्तों सांप। हेलो हेलो भाई पकड़ो दोस्तों सांप आ गया है। सब देख सकते हैं सांप को पकड़ लिया गया है। आओ इसे लेके आओ तो सांप को पकड़ लिया गया है। सब देख सकते हैं दोस्तों सांप दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है दोस्तों। सब देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से सांप को पकड़ा गया। चलिए दोस्तों सांप मिल गया है। दोस्तों छत के ऊपर से तुड़ाई किया गया फिर सांप मिला है दोस्तों। आप सब देख सकते हैं किस प्रकार से सांप को पकड़ा गया है। और दोस्तों ये सीढ़ी है बहुत ही खतरनाक सीढ़ी है दोस्तों। सांप का रेस्क्यू कर लिया गया है। दोस्तों बहुत ही मोटा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है दोस्तों। आप सब देख सकते हैं किस प्रकार से इसको निकाला गया दोस्तों। बहुत मेहनत करने के बाद ये सांप मिला दोस्तों। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा दोस्तों आप सब देख सकते हैं यहाँ की जनता यहाँ के लोगों की भीड़ लगी हुई दोस्तों। और दोस्तों सांप को पकड़ लिया गया है। ठंडी में चलना है बात सांप लेकिन बहुत तेज ठहरत भाई पकड़े ना बहुत तेज ठंड भाई नहीं 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 शंकर आए तो कलेवा खाते बिड़वा हो Oh, my God.
मजा ले ला घर को। निकल जा दो, निकल जा दो, निकल जा दो। चलिए दोस्तों, नहीं 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 दोस्तों, इनका पकड़ने का टाइटल तकरीबन 30-32 साल से दोस्तों ये सांप पकड़ रहे हैं। और दोस्तों आप सब ऐसे काफ़ी मत करना पकड़ने की, नहीं दोस्तों बहुत बड़ा खतरा आपके साथ हो सकता है। आप सब देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से खड़ा हुआ है ये। हाँ थोड़ा सा इसको छेद छेद करना है, कोनो चीज़ से छेद करियो ताकि कोई रिलीज सांस ले ले रहा। ढक्कन ना ये है थोड़ा थोड़ा। दोस्तों आप सब देख सकते हैं किस प्रकार से कुत्ता काटने के लिए दौड़ रहा है। और चलिए दोस्तों इनको डिब्बे हम डाल देते हैं दोस्तों, और उनको ऑक्सीजन लेने के लिए दोस्तों थोड़ा सा छेद कर दिया गया उसमें। और आप सब देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। एक बड़ा डिब्बा लाओ भैया, मैं आई नहीं। अरे जाल लो या घमियाला जाल लो। चलिए दोस्तों इन डिब्बे में इनको पैक कर दिया जा रहा है। आप सब देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से पैक किया गया है, और दोस्तों इसमें थोड़ा सा छेद कर दिया गया है ताकि इनको ऑक्सीजन लेने के लिए कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। चलिए दोस्तों इनको बोरी में डिब्बे में डाल दिया गया है। और दोस्तों यहाँ के लोगों दोस्तों बहुत अच्छे हैं दोस्तों, यहाँ की चलिए दोस्तों यहाँ के लोग बाबा नाग देवता की। चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, फिर किसी जीवन को बचाते हुए। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाजत दीजिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।